हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन, देखिए पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कहानी कहां तक ले आए थे, हमने देखा था चीजें कैसे काम करती है, हाउ मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन, इस चीज को हमने समझा था। अब वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या है, कैसे काम करता ऑफिस मेमोरेंडम, ये भी बताया था। लेकिन सवाल ये है, कहीं ना कहीं आप जब बुक में पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो आपके सामने एक शब्द क्या आएगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग डॉट है, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट और मंडल कमीशन क्या है, यही सारी कहानी को रिलेट करता है, यही सारी कहानी को जोड़ के रखता है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम मंडल कमीशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, मंडल कमीशन कैसे, मंडल कमीशन क्या था, क्यों लाया गया था, क्या उसकी रिकमेंडेशंस थी, वह सारी चीजें। तो सबसे पहले क्या, इट वॉज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब यहां पे गौर कीजिएगा, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कमीशन बनाया गया जो बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ करने वाला है। सेकेंड था, अब आपका गूगल होमवर्क, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। तो ये सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, मंडल कमीशन, इट वॉज अपॉइंटेड इन 1979, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 1979 में से अपॉइंट किया गया था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, ठीक है। बीपी मंडल जो एक इंसान थे, ठीक, इनकी फोटो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम। तो बीपी मंडल की चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमीशन को अपॉइंट किया गया, एक कमीशन बनाया गया जिसका हेड कौन होने वाला है, बीपी मंडल। और इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या रखा गया, था तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन इस कमीशन का नाम हो गया मंडल कमीशन, देयरफॉर मंडल कमीशन, इट वाज नोन एज मंडल कमीशन। ये हो गया। फिर आते हैं, अब सवाल सबके मन में यही आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा, कि इसे अपॉइंट क्यों किया गया था, ठीक है, व्हाई इट वाज अपॉइंटेड। तो मंडल कमीशन को अपॉइंट करने के पीछे कारण था, कारण क्या था, मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड टू रिकमेंड स्टेप्स फॉर देयर एडवांसमेंट। अब समझो यहां पे क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब वो सारे ग्रुप्स जो सामाजिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, तो ऐसे ग्रुप्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। किसका काम होगा ये काम होगा मंडल कमीशन का, ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर रिकमेंड करना है, कुछ स्टेप्स रिकमेंड करना है, सजेशंस रिकमेंड करना है, जिसके चलते हम क्या कर सके, उनका एडवांसमेंट, उन्हें ऊपर ला सके, किन लोगों को, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि कुल मिलाकर अगर आपको मैं ब्रॉड गाइडलाइंस बताता हूं कि क्या था, मंडल कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था, तो एक कमीशन था बीपी मंडल की चेयरमैनशिप के अंडर में अपॉइंट किया गया था इस कमीशन को। उस कमीशन का काम बस ये था कि ये देखना है कि हमारे देश में, इंडिया में कब अपॉइंट किया गया था, 1979 में, ठीक है। उसे देखना था कि इंडिया में कौन कौन से लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और इन लोगों को ऊपर कैसे लाया जा सकता है, अगर ये पीछे रह गए हैं तो इन्हें आगे कैसे लाया जाए, ये काम था। अब देखो क्या है, अब कमीशन काम करना चालू करता है, 1979 में अपॉइंट किया गया था, 1980 तक उसने अपना काम किया, ठीक है, आइडेंटिफाई किया कौन कौन है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद में कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, कब, 1980 में। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, तो एक साल बाद ये अपनी रिपोर्ट देता है। अब जब रिपोर्ट देगा मंडल कमीशन, तो रिपोर्ट में क्या देता है, ठीक है, व्हाट वाज देयर इन द रिपोर्ट, तो ये एरो को आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ये तो व्हाट वाज देयर इन द रिकमेंडेशन गिवन बाय मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी 1980 में, उस रिपोर्ट में था क्या, तो मेनी पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन द रिपोर्ट अबाउट बैकवर्ड क्लासेस, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस थी हमारी कंट्री में जो आइडेंटिफाई की गई थी, उन बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करें, किसने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने। और उसके बाद में एक जो मेजर रिकमेंडेशन था, जिस चीज पे पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिस कारण से कंट्री में कह सकते हैं टर्मोइल आ गया था उस समय, बहुत भूचाल सा आ गया था कंट्री में, तो वह सारी चीजें क्या थी, वो इस रिकमेंडेशन के ऊपर डिपेंड करती थी। रिकमेंडेशन क्या था, वन ऑफ द रिकमेंडेशन वॉज टू गिव 27% रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होगी, ये रिकमेंडेशन दिया था अभी, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी तो उन गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होगा, 27% रिजर्वेशन, ये चीज ध्यान रखना है, 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होगी उन गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन मिलेगा, किसे, तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया था मंडल कमीशन ने, ठीक है, मंडल कमीशन इसीलिए अपॉइंट किया गया था कि वो आइडेंटिफाई करे, तो जो भी लोग आइडेंटिफाई किए गए थे
उन आइडेंटिफाइड लोगों को, उन आइडेंटिफाइड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या करना होगा, उन क्लासेस को रिजर्वेशन देना होगा। ये रिकमेंडेशन थी, लॉ नहीं बना अभी, ये रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, क्लियर है। और कहां रिजर्वेशन देना था, गवर्नमेंट जॉब्स में। अब देखो क्या है, 27% आप पहले से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन था इस समय पे, आज भी है, ठीक। और क्या होता है, बात की जाती है इस कमीशन की रिपोर्ट में कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज है उन्हें अपलिफ्ट अगर करना है तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आपको रिजर्वेशन देना होगा। अब जब यहां तक चीजें क्लियर हो गई है, इस तरह से रिकमेंडेशन निकल के आया, तो रिकमेंडेशन निकल के आया कुछ लोग खुश हो रहे थे जो इस कैटेगरी में आते थे, कुछ लोग अपोज कर रहे थे, तो तरह तरह की चीजें हैं। अभी हमें सवाल यह जानना है कि डज रिकमेंडेशन मींस लॉ, मतलब यहां पे कमीशन ने एक अपना रिकमेंडेशन दिया, उसने एक सुझाव दिया कि हाँ ऐसा करेंगे तो ये लोग ऊपर आ जाएंगे, तो क्या ये लॉ बन गया? नहीं, लॉ नहीं बना। फिर लॉ कैसे बनता है, तो वही सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि एक ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया था और उसके बाद में लॉ बना था। तो वो ऑफिस मेमोरेंडम और मंडल कमीशन में अब आपको कनेक्टिविटी डेवलप हुई है कि वो जो लॉ बना था उस लॉ की रूट्स मंडल कमीशन में थी, ठीक है। अब ये मंडल कमीशन का कनेक्शन बहुत ज्यादा किसके साथ में है, लोकसभा इलेक्शन के साथ में है। अब क्या है वो इलेक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब सवाल यही छोड़े जा रहे हैं हम यहाँ पे, देन हाउ डिड द रिकमेंडेशन बिकम ए लॉ, ठीक है। तो आपने रिकमेंडेशन तो दे दिया, ये रिकमेंडेशन लॉ कैसे बनेगा, तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसके कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, एक लोकसभा इलेक्शन के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। मैं आपको टॉपिक स्प्लिट करके दे रहा हूं ताकि आप कहानी रिलेट कर पाए, क्लियर है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrainsbhopal.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।